भारत में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से बनाए गए वैज्ञानिक सलाहकारों के एक फोरम ने मार्च की शुरुआत में ही कोरोना वायरस के एक नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट की चेतावनी दी थी। सरकार ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कोई पाबंदी लागू नहीं की। फोरम में शामिल 5 वैज्ञानिकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। 5 में से 4 वैज्ञानिकों ने बताया है कि चेतावनी के बावजूद केंद्र सरकार ने वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए कोई बड़ी पाबंदी लागू नहीं की। हजारों की संख्या में लोग बिना मास्क लगाए धार्मिक कार्यक्रमों और राजनीतिक दलों की रैलियों में शामिल होते रहे हैं। राइटर्स के अनुसार इंडियन जेनेटिक कंसोर्टियम के वायरस के अधिक संक्रमण वेरिएंट को लेकर एक शीर्ष अधिकारी को जानकारी दी थी, जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करता है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उस अधिकारी ने ये जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई या अपने तक ही रखी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार ने दिसंबर में INSACOG का गठन किया और इसे वायरस के जीनोमिक वेरिएंट का पता लगाने का काम सौंपा गया। इसके लिए देश भर की 10 लेबोरेटरीज को एक साथ लगाया गया ताकि अलग अलग वेरिएंट का अध्ययन किया जा सके। INSACOG की शोधकर्ता ने ही सबसे पहले फरवरी में कोरोना के B1617 वेरिएंट का पता लगाया था और इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को उस चेतावनी के साथ दी थी कि ये वेरिएंट कोरोना के मामले बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी देने के साथ ही INSACOG ने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बयान का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया। इसमें लिखा गया कि वायरस में हुए E484Q और L452R म्यूटेशन बहुत चिंताजनक हैं। ये म्यूटेड वायरस पहले से ज्यादा आसानी से इंसानी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है और ये इंसान के इम्यून सिस्टम का सामना करने में भी सक्षम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 सप्ताह बाद इसकी जानकारी देश को दी। 24 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन मिलने की बात कही, लेकिन बयान में कहीं भी बहुत चिंताजनक शब्द का जिक्र नहीं किया। जब INSACOG के वैज्ञानिक सलाहकार समूह के प्रमुख शाहिद जमील ने पूछा गया कि सरकार ने इस चेतावनी पर जोरदार प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर खुद चिंतित थे कि सरकार इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। जमील ने कहा कि नीति को सबूत पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चिंतित हूं कि नीति बनाने के लिए विज्ञान का ध्यान नहीं रखा गया। बतौर वैज्ञानिक हम सिर्फ सबूत दे सकते हैं, नीति बनाने का काम सरकार का है। INSACOG की इस चेतावनी के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों में हजारों लोगों की रैलियों को संबोधित करते रहे और हरिद्वार में कुंभ का मेला नाम मात्र की पाबंदियों के साथ चलता रहा। INSACOG स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत काम करता है। NCDC के प्रमुख सुजीत कुमार सिंह ने हाल ही में हुई एक निजी ऑनलाइन बैठक में बताया कि स्थिति पर काबू पाने के लिए अप्रैल की शुरुआत में कड़े लॉकडाउन की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये साफ साफ बता दिया गया कि अब अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना के कारण होने वाली मौतों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।